करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे वेबसाइट के टाइप्स, वेबसाइट क्रिएट कैसे करते हैं, वेब होस्टिंग क्या होता है एंड वेबसाइट का पूरा वर्किंग प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में डेटा का कंट्रोल यूज़र के पास नहीं होता और स्टैटिक वेबसाइट में हमें कुछ भी चेंज करवाना हो तो कोड में जाके चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज, रेज्यूम वेबसाइट, ये स्टैटिक वेबसाइट के एग्जांपल्स है। एंड डायनामिक वेबसाइट में डेटा का पूरा कंट्रोल यूज़र एंड क्लाइंट के पास होता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक। नाउ सपोज हमें एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। एंड कुछ डिज़ाइनिंग एंड स्टाइलिंग करवानी हो जिससे कि वेबसाइट का लुक और भी अट्रैक्टिव हो सके तो हम उसके लिए CSS का यूज़ करते हैं। एंड कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करवानी हो तो JavaScript का यूज़ किया जाता है। तो HTML, CSS एंड JavaScript का यूज़ करके हम वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाते हैं और इसी फ्रंट एंड को हम स्टैटिक वेबसाइट भी बोलते हैं। पर अभी हमें वेबसाइट से कुछ डेटा भी स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। एंड सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे कि PHP, Node.js, Python, Java, .NET, इनकी हेल्प से हम डेटाबेस एंड फ्रंट एंड को लिंक करा सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस एंड सर्वर साइड लैंग्वेज होती है इसको हम वेबसाइट का बैकएंड बोलते हैं। अब ये जो फ्रंट एंड एंड बैकएंड है इसी के कॉम्बिनेशन को हम डायनामिक वेबसाइट भी बोल सकते हैं। नाउ सपोज हमारी एक वेबसाइट रेडी हो चुकी है पर अभी भी वो लोकल सिस्टम पे ही है। इसे ऑनलाइन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है, उसी को हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। लाइक GoDaddy, होस्टिंगर, ये वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं। एंड वेबसाइट को कुछ नेम तो देना होगा तो उसके लिए हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास डोमेन नेम भी है और वेब होस्टिंग भी है। तो अब हम हमारी जो वेबसाइट रेडी हुई है उसे हम सर्वर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखते हैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट वर्क कैसे होती है। सपोज़ एक यूज़र है, उसने ब्राउज़र में डोमेन नेम सर्च किया तो ब्राउज़र डोमेन नेम के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड सर्वर उस डोमेन के रिलेटेड जो भी डेटा फाइल्स होगी जैसे कि HTML, CSS, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब कलेक्ट करके वो एज अ रिस्पॉन्स यूज़र के ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है। सो ये था वेबसाइट का वर्किंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो इस चैनल में आपको सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड हिट द बेल बटन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।